साथियों, विशेष शिक्षा विभाग से अनुदेशक शिक्षा मित्र शिक्षकों के लिए एक बड़ी अपडेट निकल कर आई है। अब उनको भी पेंशन मिलेगी। साथियों, क्या है पूरा समाचार, शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। नमस्कार साथियों, देश प्रदेश के समस्त गुरुजनों को मेरा सादर प्रणाम। प्रस्तुत है आज का विशेष शिक्षा उत्तर प्रदेश समाचार। पुनः एक बार स्वागत है आपका। प्रस्तुत आज का ये समाचार, शिक्षा मित्र अनुदेशक और रसोइयों को मिलेगी पेंशन, इस तरह मिलेगा लाभ। साथियों, फतेहपुर से ये समाचार है। विशेष शिक्षा विभाग में संविदा और अंशकालिक कर्मचारियों को पेंशन मिलेगी। 59 साल से कम आयु वाले इन कर्मचारियों के मानदेय से जल्द EPF कटौती शुरू होगी। योजना से जिले के 8782 कर्मचारी लाभान्वित होंगे। सबसे अधिक लाभ 1500 रुपये टैब मासिक मानदेय पाने वाली रसोइयों को मिलेगा। इन कर्मचारियों का डाटा ई श्रम पोर्टल में 21 दिसंबर तक अपलोड किया जाएगा। शिक्षा विभाग में संविदा और अंशकालिक कर्मचारियों की लंबी फौज है। मध्यान्ह भोजन बनने के लिए, रसोइयां पढ़ने के लिए शिक्षा मित्र और निदेशकों की नियुक्ति की गई है। इस योजना का लाभ 15000 से कम मानदेय पाने वाले कर्मचारियों को दिया जाना है। वर्तमान में रसोइयों को 1500 रुपये, शिक्षा मित्रों को 10000 रुपये, निदेशकों को 7000 रुपये मात्र मिल रहा है। इन तीनों कर्मचारियों की कुल संख्या 8782 है। इसके लिए श्रम मंत्रालय ने ई श्रम पोर्टल तैयार किया है। इन सभी कर्मचारियों का डाटा 21 दिसंबर तक इस पोर्टल में अपलोड किया जाना है। इसके लिए VSA संजय कुशवाहा ने VEO को पत्र जारी किया। ये एक जिले की है, लेकिन पूरे प्रदेश में यही प्रक्रिया लागू होगी साथियों, क्योंकि इसीलिए कहा जा रहा है ई श्रम कार्ड आप सभी लोग, हम सब लोग बनवा लें शिक्षा मित्र निदेशक, ताकि वहाँ पर ये डाटा 21 से पहले अपलोड किया जा सके। SCERT से कराया था, उस समय 1,37,000 शिक्षा मित्र सहायक अध्यापक की पद नियुक्ति किए गए थे। कोर्ट ने इसे अवैध घोषित कर दिया। विधिक कार्रवाई पर पुनः उच्च न्यायालय ने 2018 में शिक्षा मित्रों को प्रशिक्षित वेतनमान 38,878 रुपये देने का निर्देश दिए, लेकिन इस पर प्रदेश सरकार ध्यान नहीं दे पा रही। तो साथियों, ये था आज का समाचार। इसमें बताया गया है निदेशक शिक्षा मित्र रसोई सभी को ई श्रम कार्ड बनवा लेना है अपना अपना, ताकि वहाँ पर आपका डाटा अपलोड हो सके, श्रम मंत्रालय आपको पेंशन जारी कर सके। ये आज के समाचार। एक और समाचार है, पुरानी पेंशन बहाल करे सरकार। उत्तर प्रदेश प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षा संघ ने सरकार से विभाग में पुरानी पेंशन बहाल करने की मांग की है। संघ के प्रदेश अध्यक्ष दिनेश चंद्र शर्मा ने बताया कि शिक्षकों के जिले के अंदर तबादले जल्द शुरू करने, विद्यालयों का सम्मिलन निरस्त करने, ऑनलाइन कार्य की बाध्यता समाप्त करने, शिक्षा मित्रों अनुदेशकों को स्थायी करने, सामूहिक बीमा की राशि बढ़ाने, मृतक आश्रितों के परिवारों को ग्रेजुटी का भुगतान कराने और आश्रितों की जल्द नियुक्ति करने के लिए आदेश जारी किया जाए। और ये 26 अक्टूबर की न्यूज़ है। मुख्यमंत्री को 69,000 शिक्षक भर्ती अभ्यर्थियों ने खून से लिखा पत्र। साथियों, ये उनका संघर्ष जारी है। यहाँ पर मिलते किसी और अपडेट के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।